यहाँ से परम पावन जी का प्रवचन प्रारंभ। गते गते पारा संगते मोदी सो ताया था। गते गते पारा संगते मोदी सो ताया था। गते गते पारा संगते सोदी। श्रावक जो शांति को चाहते हैं उन्हें सर्वकान द्वारा उपशम की ओर ले जाने वाले जगत के कल्याण चाहने वाले कुमार मत जगत का कल्याण कराने तथा शेष भाव निरात रूम जाने वाले सम्यक चित्त से मुम युक्त द्वारा तीनों संपूर्ण मानान देशने वालों श्रावक को नमस्कार। जनोर रहे तो उत्पाद रहे तो उच्छेद रहे तो अस्वस्थ एकाद रहे नानार्थ रहे आगमन रहे निर्गमन रहे ऐसे आठ वैष्णव वाले प्रतिसमतवाद समस्त परम वंचों का उपशम व कल्याण करने वाले हैं। ऐसे प्रतिसम देशना करने वाले सम्यक समय उपदेश करता हूँ श्रेष्ठ हैं उनकी वंदना करता हूँ। करुणा को आधार बनाकर सभी सिद्धांत को प्रहार करने हेतु परम धर्म के उपदेशक गौतम को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे स्तुति पूर्व में करके तो आज जैसा कि पहले कहा कि जैसा कि बोधचर्य अवतार में भी कहा था कि सबसे पहले पुण्यों का संवार करना चाहिए। तो सबसे पहले जो कि पहले जो हमारे आशक्ति इसको नष्ट करने के लिए उसका एक भाग होता और उनको आसक्ति मूल सहित नष्ट करने के लिए उसको प्रज्ञा के तरफ से अगर देखें तो उसके लिए शून्यता को सिद्धांत को अध्ययन करना चाहिए। तो जब इसकी व्याख्या की जाती है तो संक्षेप में भी उसकी व्याख्या की जाती है और बृहद रूप से भी है। तो हालांकि शून्यता के अलग अलग नाम से कहा जाता है वो समान ही होते हैं। और इस प्रकार जो हमारे जो भी क्लेश या आवरण है उनको समूल नष्ट करने के लिए तो उसको पूर्ण रूप से किसमें परिवर्तन करना चाहिए किससे किया जा सकता है तो बोधिचित्त के अनुसार ही संभव होगा। और बुद्ध चित्त और उसके बाद छह पारमिताएं उनका अभ्यास करके और इनको दोनों को आधार बनाकर अगर आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। केवल प्रज्ञा मात्र से ही नहीं होगा उसके लिए भी जो बुद्ध चित्त जैसा कि कल भी इसके बारे में व्याख्या की गई थी और उसके लिए संवार को बड़े रूप में संरचित करने के लिए तो मेरे को रूप से प्रेम करुणा को और करुणा युक्त और बुद्ध चित्त को उत्पाद करना चाहिए। और जैसे प्रज्ञा जो है कि बुद्ध चित्त पर निर्भर होती है और प्रज्ञा सत्यों पर निर्भर होती है या उस पर तो जहाँ तक प्रज्ञा जो बुद्ध चित्त पर आधारित है या उसको आधार बनाते हैं कहने का अर्थ कि भगवान बुद्ध के तीन जो काय धर्म काय और संभव काय इत्यादि जो तीन उनके काय हैं उनको बारे में व्याख्या की जाती है। यह विषय में अलंकार में भी इसकी व्याख्या की गई है और बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए चार काय युक्त उनको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने के लिए और इसको जिस तरह से प्राप्त किया जा सकता है और मूल रूप से या पूर्ण रूप से जो हेतु प्राप्त हो उसको प्राप्त करने के लिए और उसके लिए तंत्र का भी आवश्यकता होती है। और तंत्र में भी ऐसे व्याख्या की जाता और कहते हैं कि अगर इसको कहा जाता है कि जो भी इसके कहने का भी एक अपना हित और केवल आप शून्यता इत्यादि का अभ्यास करते रहो उससे बुद्धत्व की प्राप्त नहीं होगा। उसके साथ साथ छह पारमिता इनको भी अभ्यास मात्र करने से बुद्धत्व की प्राप्त नहीं होगा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हित से फलों की प्राप्ति भी होगी
और जितने भी चादा जितने भी हमारी आसक्तियाँ हैं उनको नष्ट करने के लिए और धर्म कार्य को प्राप्त करने हेतु और शून्यता का अभ्यास करके अभ्यास और इस तरह से अभ्यास करने से तो जहाँ तक रूप का है और ज्ञान का है तो इनको समान रूप से और वो भी एक और एक समान से होने के लिए भी तो ऐसा कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध को कि उनके स्वयं के लिए जो कि धर्म का है और रूप का है तो इस प्रकार के तो उनको दो या फिर चार प्रकार के काय को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। उनको प्राप्त करने के लिए सिद्ध करने के लिए खास करके जो आर्य जो कि हमारे आर्य हैं वो साधना के समय और धर्म काय को प्राप्त करने के लिए जो हेतु है और उनके लिए आवश्यकता है और उनको प्राप्त करने के लिए तो जैसे कि कहने के लिए कोई दूसरे वो नहीं है नहीं से होता है। और इसके बाद फिर उसके बाद भगवान बुद्ध के जो 80 सूक्ष्म लक्षण और 32 बृहद लक्षण और उनको भी प्राप्त करने के लिए के धर्म जो रूप का है उसको प्राप्त करने के लिए और इसको एक प्रकार के अवतार कहें जो भी कह सकते हैं अपने तो उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान बुद्ध के जैसे शरीर को प्राप्त करने काय को प्राप्त करने के लिए भी तो इसके अभ्यास करने के व्याख्या की जाती है। तो जैसा कि इष्ट देव इत्यादि या देवता को ध्यान करने के लिए भी तो उसके कोई अगर हेतु ना हो और उसकी साधना करने चाहें अभ्यास करें तो संभव नहीं होगा। उसके लिए भी हेतु बहुत सारे होने चाहिए, बिना हेतु के साधना करना संभव नहीं होगा। और प्रमुख रूप से उसके लिए शून्यता का अभ्यास करें और उसके लिए भी जो कि तंत्रों के शब्द या उनको आप व्याख्या करना उसके लिए भी अलग अलग उनके अभ्यास करने के लिए भी शून्यता का पहले अभ्यास किया जाता है और उसके और उसमें कहा जाए शून्यता के आधार पर ऐसा नहीं है कि कोई खाली जगह है कि ऐसी बात हो ऐसी बात नहीं तो शून्यता के आधार पर तो जो भी धर्म आपको दिखाई दे कोई जो भी परिलक्षित हो तो जिस तरह से आप जिस प्रकार से धर्म को हम देखते हैं उसी प्रकार से हम ग्रहण भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले के जो ये प्रकार अनात्म सिद्धांत को तो केवल अनात्म इत्यादि के मात्र इसी के बारे में चिंतन करते हैं तो संभव नहीं होगा। फिर चतुशतक में भी इसके बारे में व्याख्या की जाती है। वो फिर कहा जाता है कि आखिर को भव चक्र का जो जो जड़ है या मूल है उसे कैसे नष्ट करना चाहिए तो सिद्ध कहा जाता है। तो फिर उसमें यही कहा जाता है कि जितने भी क्लेश उसकी उसकी जड़ है एक प्रकार की हमारी अविद्या है तो अविद्या किस प्रकार से होती है तो उससे पहले कहते हैं कि हमारे जो क्लेश इत्यादि हैं वो तभी नष्ट होंगे जब तक हम प्रतिसमुद्भाव के सिद्धांतों को ठीक से न समझें क्योंकि सारे के सारे धर्म जितने भी हैं स्वभाव से सिद्ध न होकर के नाम मात्र से आरोपित होते हैं। थोड़ा क्योंकि अक्सर हम मिथ्या दृष्टि की वजह से जो धर्म है वो स्वभाव सिद्ध हैं ऐसा मान बैठते हैं। तो जिस प्रकार से आप प्रतिसमुद्भाव को करेंगे वैसे जानेंगे वैसे ही क्लेश आपके नष्ट होंगे। तो ये चतुशतक में इसकी व्याख्या की जाती है की गई है। और शून्यता का दर्शन या सिद्धांत और उनको जानने से ही हमारे जो भाव चक्र के मूल हैं उसको नष्ट किया जा सकता है, विद्या को नष्ट किया जा सकता है और वो भी प्रतिसमुद्भाव की शून्यता के द्वारा ही संभव हो सकेगा।
और सर्वज्ञता के काय को प्राप्त करना और उनको और उनको जानने के लिए सबसे पहले किस तरह से जो हमारे क्लेश हैं उनको प्रहार कैसे किया जाता है उसको इंट्रोड्यूट किया उनको जानना चाहिए और वो भी परिपूर्ण हों बिना भरपूर या हेतु जितने हैं और सभी तंत्रों के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें सब में कहा जाता है कि शून्यता में परिवर्तन हो और केवल और केवल जब तक शून्यता का अभ्यास नहीं करेंगे इष्ट देव या देवताओं का अभ्यास मात्र से वो संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो फल बुद्धत्व को प्राप्त है करना है लेकिन फिर भी परहित के लिए रूप का प्राप्त करने की आवश्यकता है और वो भी एक प्रकार के ज्ञान के रूप में होना चाहिए। तो सबसे पहले जो कि अगर धर्म काय को प्राप्त नहीं करेंगे तो आपका काय है रूप का है उसको भी प्राप्त करना संभव नहीं होगा। तो इसलिए जितना भी आप अभ्यास करें उसके लिए धर्म काय को प्राप्त करने का अभ्यास प्रमुख होता है। तो जैसे कि प्रज्ञा बोधचित्त पर आधारित हो या अपना उस तरह मूर्ति है तो उसके लिए शून्यता का अभ्यास प्रमुख है और फिर परहित के लिए और रूप काय को प्राप्त करना और वो भी तो अभी पर जैसे कि हम लोग अभी अपने एक विचार भी कर करके ऐसा कल्पना करके अपने मन को शून्यता पर एक बिंदु पर रखना चाहिए और फिर उसमें जितने ज़्यादा आपके विचार उत्पन्न हो जितना ज़्यादा इसके अंदर और उनको हेतु बना करके और फिर उसके साथ साथ वो जो हमारी समत और विपश्यना इनको साथ भी उत्पन्न हो जाते हैं और ये शून्यता का अभ्यास करके और जब और ख़ास करके अगर समते और विपश्यना का चित्त अगर नहीं होगा शून्यता अगर नहीं होगा तो केवल और ईर्ष्या देव का अभ्यास करते रहें या साधना करें तो भवचक्र से मुक्त होने का हेतु नहीं बनता है। तो उसके बाद केवल ईर्ष्या देव प्राप्त हों अब कित तो फिर केवल आप ऐसी भवचक्र में रहेंगे तो उनको भी वो जितना हो सके जितना संभव हो उतना अपने शून्यता पर ध्यान रख करके चिंतन करें तब जाकर इष्ट देव की प्रार्थना की जा सकती है और केवल अपने आप में नहीं जितने भी भवचक्र हैं जितने भी ये दुनिया है उन सभी इसको ऐसा माने कि एक शुद्ध भूमि के रूप में मान करके या साधना करनी चाहिए। तो सामान्य तौर पर तंत्र का धर्म तो ऐसे कहने वाले लोग भी हैं भारत में पूर्व समय से भी कहते रहे कि ये भगवान बुद्ध का दर्शन नहीं है ऐसे भी कहने वाले लोग भी हैं और जो प्रज्ञा पारमिता इत्यादि भी भगवान बुद्ध के वचन नहीं है ऐसे भी भारत में सिद्धांतवादी पैदा हुए हैं और भगवान बुद्ध के लगभग निर्माण प्राप्त करने के बाद तो उसके अन्य अन्य 18 निकाय इत्यादि बन गए थे तो उनमें से मान्यता ऐसी है कि ये प्रज्ञा पारमिता आदि बुद्ध के वचन नहीं हैं और संस्कृत परंपरा ये भी कहते हैं कि संस्कृत परंपरा बुद्ध के वचन नहीं है और बाद में इनका विद्वानों के द्वारा रचना की ऐसी लोगों की भी मान्यता है और फिर भगवान बुद्ध के वचन ये हैं इसको सिद्ध करने के लिए रत्नावली में भी इसको सिद्ध किया गया है और इसके साथ साथ ओम सूत्र अलंकार में भी उसमें भी जो संगीति के बारे में व्याख्या की गई है और बोधचर्या अवतार में भी और उसमें जो महायान संगीति के बारे में व्याख्या की गई है और माध्यमिक सार में भी इसकी व्याख्या की गई है कि किस प्रकार से ये बुद्ध के वचन हैं तो ये किस क्या दिशाते हैं और ये ऐसे भी लोग भी हुए हैं जो कि बुद्ध के वचन को नहीं मानते हैं जो महायान परंपरा या फिर तो माया परंपरा जो छह पारमिता इनको जब अगर अभ्यास करते हैं तो उसमें बुराई क्या है वो भी इस चीज़ का अभ्यास करते हैं अन्य चीज़ों का अभ्यास करते हैं तो हम लोग जो तो पाली परंपरा में उसमें 16 जो 4 अर्थ से 16 आकार और 37 बोधांगे प्रति समुद्रपात के 12 निदान
इनकी व्याख्या की जाती है और जो विचार सार सत्यों को प्रवचन करने के बाद केवल भगवान बुद्ध के कि केवल वचन नहीं है ऐसा न कर करके उनका मतलब है उसके सार्थक है और हम हमारे लोगों के अंदर भी वास्तव में हम अपने अंदर इनका अभ्यास कर सकते हैं। तर्क के द्वारा जाना जा सकता है। तो केवल भगवान बुद्ध के द्वारा वचन कह दिए गए उन्हीं को नहीं मानना चाहिए, शब्द से नहीं मानना चाहिए और जितना हो सके वो अपने परीक्षण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। 16 4 8 सत्य और 16 आकार और सभी परंपरा के लोग, सभी धर्म, तो जितने भी हमारे पिटक हैं उनमें सब में व्याख्या की गई है और उनको भी गंभीरता से अभ्यास करें और उनको अच्छी तरह से अगर व्याख्या करते हैं तो वास्तव में जो संस्कृत परंपरा है यह संस्कृत काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें भी महायान परंपरा की संगीत के बारे में व्याख्या की गई है। तो इसको कहा जाता है कि ये सामान्य तौर पर या बहुत विख्यात नहीं है। तो इसमें 3 जो संगीतियों के बारे में व्याख्या की जाती है तो उसमें इसकी व्याख्या देखने को नहीं मिलती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उस समय भगवान बुद्ध ने भी लोगों के मानसिक स्थिति के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार धर्म का उपदेश दिया है। तो कुछ प्रवचन ऐसे थे जो कि सभी के लिए प्रवचन दिए, कुछ प्रवचन ऐसे थे जो कुछ लोगों के लिए ही उन्होंने दिए थे। जैसे कि संत निर्मोचन सूत्र को देखें तो उसकी व्याख्या जो कि तो उसमें के अनुसार अगर देखें तो हमारे जो पारमिता सूत्र हैं उनको शब्द से उस ग्रंथ के अनुसार नहीं माना जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि सिद्धांतों में अंतर हो सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आप मूल रूप से देखें उसको मूल पर जाएंगे तो वो समान ही होते हैं। और केवल आप ये कहते रहें कि बुद्ध के वचन हैं कहने से नहीं होगा। वो किस प्रकार से बुद्ध के वचन हैं वो हम अपने तर्क के द्वारा उसको बहुत सारे चिंतन करके बहुत सारे तर्क दे के उस प्रकार से सिद्ध अगर करें तो निश्चित रूप से जैसा कहा जाता वैसा हम मान सकेंगे। और इसी प्रकार से जो संस्कृत परंपरा और ऐसे भी कहने वाले कि जो भगवान बुद्ध के वचन नहीं हैं, और दूसरी बात और एक विशेष रूप से अगर कहा जाए तो तंत्र बुद्ध के वचन नहीं है ऐसे भी कहने वाले लोग हैं। बहुत सारे भारतीय विद्वान भी लोग हैं कि वो भी मानते हैं कि बुद्ध वचन नहीं है, वो भी इसको नकारते हैं। और तंत्र के इस व्यवस्था में वो देखा जाए तो हिंदुओं के और अबौद्धों के जो तरीके हैं वो भी बहुत सारे समान हैं। जैसे कि इस देवताओं का अभ्यास करना, मंत्र जाप करना या फिर यज्ञ करना, हवन करना, बहुत सारी चीज़ें के तीर्थों के जैसे ही अबौद्धों जो बौद्धोत्तर धर्म के जैसा ही हैं। तो मैंने खिल अमर रिम्पोचे से मैंने पूछा कि हिंदुओं के बहुत सारे कि ये जो बहुत सारे ग्रंथ हैं और बौद्ध धर्म के भी अपने तंत्र हैं तो किस इनमें अंतर कैसा करना चाहिए ऐसा मैंने पूछा। तो मैंने पूछा कुछ ग्रंथों में कि जो उसमें नाड़ी बिंदु इत्यादि के अभ्यास और उनको अभ्यास करने की व्यवस्था और इनको सबको अगर शून्यता के सिद्धांत पर आधार रख करके अगर जोड़ करके अगर देखोगे तो निश्चित रूप से बौद्ध वचन या बौद्ध ये तंत्र कहे जा सकते हैं। और बाकी के अगर इनको अभ्यास नहीं कर शून्यता इत्यादि का अभ्यास नहीं करोगे तो हिंदुओं के या फिर अबौद्धों के जो तंत्र व्यवस्था उसी के अनुसार उसी की जैसे ही रहेगी। और उसके साथ साथ अपने जो ग्रीस में जो उस समय इत्यादि का अभ्यास कर रहा हूँ तो हिमालयन क्षेत्र में कुछ ऐसे है जहाँ पर के बर्फों में के गुफाओं में रहकर बरसों तक कोई बहुत सारे हिंदुओं के जो साधु बाबा हैं वो कई
वर्षों तक अभ्यास करते बिना कोई वस्त्र पहने भी अभ्यास करते रहते हैं, तो उस तरह से बिना वस्त्र के रहने समय, तो ये उसी तरह से होता है कि अपने अंदर किस प्रकार से एक प्रकार जो ऊर्जा का या फिर हीट गर्मी को प्राप्त किया जाए। तो एक बार मैं कुंभ मेला में समय में मैं गया तो उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे अच्छी तरह से बात करने का समय नहीं मिला। तो बहुत सारे मेरे हिंदी जो लोग हैं उनसे मेरे बीच संवाद हुए, तो उन्होंने कहा कि हाँ इस तरह से अभ्यास करने वाले लोग हैं, तो ये दोनों प्रकार के अभ्यास, जैसे कि युष्मा का अभ्यास अपने अंदर प्राप्त करने का अभ्यास है, तो बौद्ध और अबौद्ध दोनों में ही देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद तो डुमजू का जो और उसका अभ्यास वो भी समान है। तो जो तीर्थकों के साधुओं से मिला तो उन्होंने भी कहा कि जो उनके में व्याख्या फोबा की जो व्यवस्था और अन्य की व्यवस्था जो समान जैसे ही दिखती है। तो तंत्र यान या तंत्र की व्यवस्था में हिंदुओं के और जो बौद्धों की व्यवस्था तो वो भी लगभग समान जैसे दिखती है, तो उसको अच्छी तरह से अगर देखेंगे और वो भी आज जो कि आत्मा को मानने वाले सिद्धांत और न मानने वाले सिद्धांत उनके अंदर अगर अच्छी तरह से अगर देखेंगे तभी संभव हो सकेगा। तो मंत्रों का जाप करना या अन्य चीज़ों अभ्यास करना ये तो केवल बौद्ध धर्म की बात नहीं है, अन्य में देखने को मिलती है। तो भगवान बुद्ध जो तंत्र है बुद्ध के वचन नहीं है, या फिर महायान वचन बुद्ध के वचन, ऐसा तो कहना प्राचीन से ही होता आया है। और तिब्बत के अलावा भारत को अगर आप धार देखें कि 80 महासिद्धा हुए हैं, और नागार्जुन भी 80 महासिद्धों में आते हैं, 84 महासिद्धों में आते हैं, और उन्होंने भी एक अभ्यास करने की व्यवस्था, और वो भी हमारे जो नाड़ी विद्यु इनके अभ्यास हैं, और ख़ास करके कि जो अब जो तंत्र के अभ्यास में और उनमें भी एक प्रकार के जो डाकनी इत्यादि का अभ्यास देखने को मिलता है, और वो भी एक क्रम से उन्होंने उसकी व्याख्या की है। और आर्यदेव ने भी माना है, और इनमें जो व्याख्या है तो वो भी आर्यदेव ने उसकी एक व्याख्या की है। और इसमें भी जो गाय समाज की जो व्याख्या है जो दोनों चंद्र कृति ने में उन्होंने भी इसकी एक रचना की व्याख्या की है। तो इस प्रकार के बहुत सारी वृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। और नालंदा के बहुत सारे जो विद्वान जो कि प्रसिद्ध थे, प्रकांड थे, उन्होंने भी तंत्र की रचना की है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में ये परंपराएं थी, और उनको भी अगर देखो अच्छी तरह से तो शून्यता के अभ्यास को मूल रूप से उनको आधार बनाना चाहिए। और इसके साथ साथ नागार्जुन और उनके शिष्य, तो जिन्हें भी जितने जो ग्रंथों की रचना की है वो समान रूप से ये सभी लोगों में एक एक प्रकार से प्रसिद्ध है। और उसके बाद तिब्बत में भी बौद्ध धर्म के जो विकास जातक संतरक्षित के समय से हुआ है, तो बहुत सारे अनुवादक भारत में आए। फिर उसके बाद तिब्बत में जाकर के बहुत सारे जो भी है व्यवस्था तंत्र की व्यवस्था वहाँ पर फैली, और ख़ास करके कि बाद में जो
मारपा भारत में बहुत बार आए और मिठूपा इत्यादि बहुत कलों से कई बार मिला। उसके बाद नरोपा से मिले और फिर उसके हमारे में दासों जो कागियों की परंपरा के अनुसार होते हैं और वो भी सूत्र और तंत्र के अभ्यास करने वाले हैं और उसके साथ बिरूपा वो देखें जो कि शाक्य लमटे उन्होंने तो नरोपा और बिरूपा ये दोनों सबसे पहले नालंदा के विद्वान थे और ये नालंदा के बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। फिर उसके बाद और जहाँ तक तंत्र के एक प्रकार के बड़ी अभ्यास करने के लिए तो उसी के साथ साथ जो एक प्रकार के हमारे जो वायु और चित्त एक साथ को रख कर के प्रवासर के रूप में इनको साथ रख कर शून्यता का अभ्यास करना और इसके साथ साथ ये जैसा कि मूल में कहा कि ग्वाय समाज में और उसमें जो कि बहुत ही सूक्ष्म होता है और जैसे कि वायु के बारे में बात किया जाए बहुत ही सूक्ष्म के और बुद्ध के जो तीन कार्य को प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार के जो हमारे चित्त और सूक्ष्म वायु से ही प्राप्त होती है और जो चित्त है हमारे जो ज्ञान कार्य को प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जाता है और वो केवल और वो भी स्वभाव से अनुसार भी अलग अलग होते हैं और कब आखिर को किस प्रकार से काय को प्राप्त करना चाहिए और सबसे ज़्यादा इसके स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो ग्वाय समाज में देखने को मिलती है तो उसमें भी एक व्यवस्था की गई है कि इसको कैसे समझा जाए और जितने बहुत सारे जो सूक्ष्म प्रकार के चित्त और वायु प्राण जिनको कह सकते हैं और इन दोनों को आधार बना करके ही जो तीन काय उनको प्राप्त किया जाए और ये कोई पहली बार सिद्ध हो ऐसा नहीं है। जैसे कि ग्वाय समाज के जब अभिषेक दिए जाते हैं उसके अनुष्ठान में भी तो ऐसे कहा जाता है तो ऐसा कह रहे हैं कि बुद्ध चित्त जो है बोध चित्त की भूमि जो किसी को देख नहीं सकते हैं कोई भी देखा और किसी ने कहा भी नहीं है और ये कहते हैं कि कोई बाहर से कहने के बाद जो उससे नहीं है ये इसका हेतु स्वयं के अंदर होता है और ना तो किसी के कहने से होता है ना किसके आपको दिखाएगा स्वयं से उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें कहा जाता है अपनी तरह से अपने अभ्यास से जितना कर किया जा सकेगा उसी प्रकार से बुद्ध को प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि ये पहले से ही आपके अंदर होता है और वो भी एक योग के अभ्यास के द्वारा उसके शक्ति के द्वारा ही संभव हो सकता है बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकेगा। और केवल तो ये सारी की सारी व्यवस्था हमारे अंदर व्याप्त होती है खुद के द्वार कह सकते हैं। तो बोध चित्त जो है कोई दूसरा उसकी व्याख्या करे या दूसरा उत्पन्न कराए तो संभव नहीं होता है खुद के द्वारा इसको करने की आवश्यकता है। तो इनको अगर इस तरह से क्रम से अगर देखोगे एक विधिवत तरीके से इसको अगर समझेंगे और इसके बारे में अच्छी तरह से विचार करोगे तो इसलिए नहीं ऐसा कह पाना संभव नहीं होगा। और तंत्र में भी क्रिया तंत्र योग अन्य बहुत सारी इसमें व्यवस्थाएं होती हैं और उसमें भी कि गुरु योग का अभ्यास करना तो एक प्रकार से देखा जाए तो अभ्यास करने का या फिर उसको तैयारी करने के रूप में होते हैं। और जैसे कि जो रूप का एक मूल हेतु करने के लिए
तो उनको प्राप्त करने के लिए अभी से ही अपने जितना हो सके वो इष्ट देवों के उनके बारे में चिंतन करने अभ्यास करना चाहिए, तभी संभव हो सकता है। तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि जो तंत्र है, तो तंत्र किस प्रकार से है उसके लिए अच्छी तरह से अगर सोचेंगे और जानेंगे तो तभी आगे कह सकते हैं कि जो कहा जाता है कि बुद्ध वचन नहीं है उसको सिद्ध किया जा सकता किस तरह से वो है। और जैसा कि तंत्र की व्याख्या जो है लोगों के व्यक्ति विशेष के अनुसार अपने लोगों की जरूरत के अनुसार भी होती है। जैसा कि मैं पूर्व में भी कहा अगर बोध चित्त नहीं है तो फिर चाहे इष्ट देव इत्यादि की आप प्रार्थना या साधना करेंगी तो वो भी अबोधों के जैसा ही होता है। तो उनके अंदर भी इस अभ्यास करने की स्थिति है, वो भी अभ्यास करते हैं। तो इसलिए बोध चित्त और शून्यता का अभ्यास मूल है और उसके साथ साथ अगर ये दोनों चीज़ें अगर आपके अंदर ठीक से हो जाएं उसके बाद समाधि का अभ्यास ठीक से करें और शून्यता का दर्शन या ज्ञान आपके अंदर अच्छी तरह से अगर होगा, जैसे कि उदाहरण के रूप में आप समझना चाहिए गिलवा केतसंग जी के द्वारा भी कहा गया इसलिए शून्यता को सबसे पहचानने के लिए सोतमय प्रज्ञा, चंद्रमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा इन तीनों का अगर अभ्यास अच्छी तरह से अगर करते हो तो निश्चित रूप से जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देखें कि बारिश होने वाले बादलों के समान उसके द्वारा जो सूर्य दिखाई नहीं देता है जब ये हट जाते हैं तो पूर्व स्पष्ट रूप से आकाश भी दिखाई देने लगते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर भी इनका जब अभ्यास करोगे तो ये अगर शून्यता की बात अगर कहते हैं तो इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए, तब कहा जाता है कि शून्यता के आधार पर और उसके एक प्रकार के मंडल, फिर मंडल बनने के बाद इसमें प्रवेश करके ऐसे अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे पहले उसके लिए एक जो विषय है वो विशेष होना चाहिए और जैसे कि फिर आप अभ्यास करो तो जब परीक्षण करें तो उसके द्वारा तो हम देखेंगे कि वो शून्यता से शून्यता के अनुसार सिद्ध नहीं है, स्वभाव सिद्ध नहीं है। और जैसे कि इष्ट देव इत्यादि का जब हम कामना करते हैं उस समय अभ्यास करना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में जब अशुद्ध रूप में अगर अभ्यास करें तब अशुद्ध के आधार करें तो संभव नहीं होगा और शुद्ध उस तरह से अगर करेंगे तो निश्चित रूप से बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकेगी। जो विषय है वो भी शुद्ध रूप से होना चाहिए और उनको आधार माना कर और वो भी अपने मन को शून्यता पर एकांकी बना करके अपने एक विषय पर अगर आप रखोगे तो निश्चित रूप से बाहरी जो आवास हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इसको नष्ट करने के लिए और समझने के लिए जैसे कि तो अलग शून्यता का अभ्यास करते समय और जो आपके विषय या भी जो चिंतन वो और सूक्ष्म होते जाते हैं तो जहाँ पर आकाश की बात की भी कही जाती है को बाहरी आकाश के बाहर नहीं कहते हैं, आंतरिक जैसे कि शून्यता ये प्रथम से लेकर पाँचवें स्तर तक की। तो हालांकि थोड़ा सा इसके बारे में चिंतन करोगे तो अजीब सा महसूस होगा। तो इस प्रकार से तो आप मान तो तिब्बत में देखा जाए कि सूत्र और तंत्र की व्याख्या पूर्ण रूप से वहाँ पर है और वो भी सूत्र और तंत्र एक समान रूप में है, एक तरह के हैं तो वो भी एक युग्म के रूप में है। तो बौद्ध धर्म की अगर व्याख्या बात करें तो वो भी इस राष्ट्र का एक धर्म होता था, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म जो
तो बम के खेम्बो बहुत अच्छे एक हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे, उनका नाम नमदा क्या नाम है, तो काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। तो डेपो में उन्होंने कुछ दिन तक पढ़ाई किया, तो उन्होंने कहा कि बम्बो अगर बुद्धिस्ट है तो उनको बौद्ध धर्म पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और अगर वास्तव में बॉन अगर बौद्ध धर्म होता तो फिर वहाँ पर बौद्ध धर्म फैलने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। तो आजकल के समय में कि बॉम का धर्म देखते हैं तो वो भी माध्यम लंगर के और मूल माध्यम वो भी इसको मानते हैं, वो भी जाओ बाओ जिस जैसे कहा जाता है वो भी मानते हैं, तो लगभग ही जो बौद्ध धर्म के अनुसार है वो भी उसको व्यवस्था को मानते हैं। तो बौद्ध धर्म फैलने के बाद के अगर बॉन का देखें तो बहुत तो बौद्ध धर्म के साथ संबद्ध होने के वजह से बहुत सारी चीज़ें उनके साथ भी मिलती जुलती हैं, उसमें साक्या काग्यु जोना। तो इसके साथ साथ जो तंत्र के अभ्यास को करने के लिए, तो इसके पहले क्रिया तंत्र, तो उसका क्रिया तंत्र के अनुसार आपको देंगे, तो जो कि भगवत शंभु आर्य। तो सबसे पहले शाक्य परंपरा कहा जाए तो थानम भी होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर के पूर्व में निंगमा परंपरा, तो जैसे पूर्व कर्मा और तेरमा कहा जाता था, तो इस प्रकार संगम या गुहाय धानंग के ग्रंथ बन जाते हैं। और ये आने के जहाँ तक व्यक्त कहें जो, तो तब वो कुंडल रिंपोचे तो वहाँ से आया हुआ है, और उन्होंने भारत से ही मिठो दर्जे से चरसी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से और उन्होंने इसको प्राप्त किया, उसको उपदेश ग्रहण किया। तो इसमें जैसे कि एक जाति और अवलोकितेश्वर के तो मिट्टी दो जी भी कहते हैं कि चंद्रशि से मैंने प्रत्यक्ष रूप से इसको प्राप्त किया है। तो यहाँ पर किस प्रकार से उन्होंने इसको प्राप्त किया वो यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं कि मिट्टी दूर जी से उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया, और जैसे भी तो कुडी रामजुंग और वो भी दोलमा के एक प्रकार के उनको साधे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हुआ। तो वो उनके अंदर या थोड़ा सा वो हट करके थे, तो जैसे कि जेचुन दो के द्वारा जो व्याख्या की गई, और जिस प्रकार से
और खसर पानी से भी जैसों के बड़े गुरु ग्रह मानते हैं और वो महाकरुणा उनके अवसरों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया। तो मैंने बचपन में भी इसको प्राप्त ताडा रिम्पोचे से इसको मैंने प्राप्त किया। उस समय शायद मेरी 12-13 वर्ष मेरी आयु थी, तो मैंने उनसे इस अवसर को प्राप्त किया। और इस प्रकार का अभिलेख से जो के अभिषेक जो तीनों लोक हैं उनके उससे मुक्त हो सके, और इसके लिए मंत्र मैंने के कई लाख मंत्र कई बार मैंने जाप किए हैं। तो ऐसा तो हालांकि कोई इसका आशीर्वाद ऐसा तो अपने मन में पैदा किया जा सकता है, तो ये जरूर निश्चित रूप से आपके मन में रहेंगे। तो एक प्रकार से इसको एक प्रकार से अनुज्ञा के रूप में समझना चाहिए तो अच्छा होगा कि अच्छा रहेगा। और इसको संपूर्ण करने के लिए कि जो उपासक संभार हैं उनको प्राप्त करें, उसके बाद बोधचित्त के जो संभार हैं को प्राप्त किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इससे अटके कोई अन्य उपाय नहीं होता है। तो पूर्व में तो सबसे पहले कि हमें उपासना के उपदेश, गृहस्थों के उपदेश, और एक प्रकार से तो भगवान बुद्ध के द्वारा और वो भी उनके जो के चित्त के जो ज्ञान है और ये प्रकार के जो परिपूर्ण जो कि हम जो ग्रस्त के शिक्षण लेते हैं वो इसको चार प्रकार के सील को ध्यान करें, जैसे कि हत्या न करना, चोरी न करना या व्यवचार न करना, और व्यवचार न करना तो अपने स्त्री के अलावा दूसरे से संबंध बनाना एक प्रकार के से व्यवचार कहा जाता है, ऐसा न करना, इससे बेहतर रहना चाहिए। और फिर इसके बाद झूठ बोलना, तो झूठ बोलने का अर्थ है तो हालांकि जो खासकर बड़े झूठ कहे जाते हैं तो आप ग्रस्त लोगों पर इसका पाप नहीं होता है, तो खास करके जो आसन पर बैठे हुए जैसे कि मैं और अन्य गुरु के मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, बहुत कुछ हूँ, ऐसे लोग झूठ बोलते हैं तो बहुत पाप लगता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने शून्यता को प्राप्त कर लिया, अगर ऐसा कहूँगा तो एक प्रकार की झूठ हो जाती है, बड़े झूठों में शामिल हो जाते हैं। तो हालांकि ये दूसरी बात है कि दारू न पीना, पांचवा तो जैसे कि मैंने कल कहा था तो जो कि इस कार्य को प्राप्त करने के लिए सील का अभ्यास करने के लिए 16 अभ्यास जो हैं तो रत्नावली में इसकी व्याख्या की गई है। जब उपासकों के गृहस्थों के जब दीक्षा लें तो इसको हमें त्यागना चाहिए, दारू के सेवन से व्रत रहना चाहिए, मद्यपान से व्रत रहना चाहिए। तो एक बार जब लिंग रिम्पोचे थे तो एक तो पास गुरु बुजुर्ग यहाँ पर आए थे तो उन्होंने भी गृहस्थ गृहस्थ का दीक्षा ले, तो जब चार जब सील दे रहे थे उसमें कहा गया था कि जब वो सील दे रहे थे कि मैं दारू को बिल्कुल भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ तो फिर उन्होंने कहा, उन्होंने गुरु जी ने कहा कि ज़्यादा मत पियो, अगर थोड़ा थोड़ा पीने से भी कोई बुराई नहीं है, इतना मत पियो कि आप नशे में धुत हो जाएं, नशे में आने से पूर्व थोड़ा सा अगर आप पियेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो अगर छोड़ ना सकें तो इतना नहीं पीना चाहिए कि आप नशे में आ जाए, तब तक आपको नहीं पीना चाहिए। क्योंकि अगर समाज में कोई नशेड़ी हो जाता है तो उसको बुरा माना जाता है। अगर आपको लगे कि थोड़ा पीना चाहिए तो थोड़ा पीने में कोई बुराई नहीं है, और बहुत ज़्यादा आपको नहीं पीना है। तो इस प्रकार से जो चार शील पाँच शील हैं उनकी दीक्षाएँ हैं। तो तिब्बती में भी उसका पाठ आप कर सकते हैं। तो जब नमो बुद्धाय धम्मा संगाय कहा जाता है तो त्रिशरण, तो त्रिशरण को आप लोग मैं कहूँ उसको कहें तो नमो बुद्धाय लब्धि का उसे बुद्ध के शरण में जाना। तो बुद्ध का अर्थ है, तो संस्कृत परंपरा के अनुसार कि जितने भी क्लेश हैं वो नष्ट हो जाना उसे बुद्ध कहा जाता है। और तिब्बती अनुवादकों के अनुसार के बुद्धत्व प्राप्त करने का अर्थ इसमें जो है दो संगे शब्द, दो शब्दों में ही तो उसके बारे में कि इसके बारे में चिंतन जो करने की बात है कि हमारे जो क्लेश या दुख आने के जो वजह है, जिसके वजह से हम दुखी होते हैं, तो इसके तुरंत से जो हमारे जो कठिनाइयां या दुख आते हैं वो उनको हमारे अंदर पैदा हो होती रहती हैं, तो इनको नष्ट कैसे करें, किस तरह से इनको नष्ट करना चाहिए, इसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता रहती है। और जितना भी जितने भी मार, इतना ही नहीं कि जिसकी आसक्तियाँ और जो भी हमारे अंदर इम्प्रिंट्स हैं वो भी नष्ट हो जाएं। तो जैसा कि चित्त कहा जाए कि इसकी अपना एक प्रभासर होता है, स्पष्ट होता है। तो हालांकि जो हमारी प्रभासर है उसको नया कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अंदर से होते ही है। तो हालांकि उसको किसी क्लेश की वजह से रोक दिया गया है, आसक्तियों की वजह से उस पर एक प्रकार से आवरण जैसा पड़ा हुआ है, तो ये क्यों आता है कि ये हमारी के सत्य ग्राहता की वजह से, जैसे कि हम वास्तविकता मान बैठे हैं, मिथ्या दृष्टि की वजह से ये आ जाते हैं। तो इसका अर्थ संगे या बुद्धत्व, बुद्ध की परिभाषा ऐसे तिब्बती भाषा के अनुसार दी जाती है। तो फिर उसके बाद नमो धर्माय का अर्थ है ग्रहण करना। तो किस चीज़ को ग्रहण करना, धारण करना, जैसे कि धर्म की बात है कहते हैं तो बहुत सारे संस्कृत और असंस्कृत धर्म कहते हैं। तो धर्म का अर्थ होता है कि अपने स्वभाव को ग्रहण करना। और जब हम धर्म और लोक की अगर बात करें तो इसमें तो वो भी हमारे जो डर हैं, जो भय हैं, उससे मुक्त होना, उससे बचना, और जैसा कि हमारे जो दुखों के जो हेतु हैं, जब वो हेतु पैदा उनको किस प्रकार से एंटीडोट के द्वारा नष्ट किया जा सके। और वास्तव में जो हमें अगर इससे बचा सकता है तो एक प्रकार निरोध सत्य, और इसके बाद हमारा मार्ग तीसरा कि नमो संगाय। तो संग का अर्थ है कि जो के दर्शन मार्ग और ध्यान मार्ग को प्राप्त किए हुए ऐसे जो भिक्षु संघ, उसके संग चढ़ जाना। तो हम लोग बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाते हैं। तो जैसे कि तो ज़्यादातर हमें जो हेतु शरण है उसमें जाना चाहिए, और जितना हो सके ज़्यादातर हम जाते हैं और फिर भी हमारे प्राप्त करने हेतु तो धर्म जो कि रत्न, और वो भी अपने रास्ते पर निरंतरता से प्राप्त करते रहने के लिए। तो ये अपने अपने के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है, और इसको खुद प्राप्त जैसे किया जाता है उसको फल शरण के रूप में कहा जाता है। और जैसे कि हेतु फल, हेतु
शरण कहा जाए, वो एक प्रकार का हमें रास्ता दिखाता है कि किस प्रकार से जो स्वयं से इसको इससे हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकें। और वो भी भगवान बुद्ध को एक आचार्य के रूप में, उनको एक उद्धार के रूप में रख कर के, और खुद कि किस प्रकार से हमारे जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, कैसे नष्ट हो सकते हैं। और ये वास्तव में स्वयं के द्वारा जो जिनको प्राप्त किया जाए वो वास्तविक शरण होती है। जैसा कि हम सभी लोग सामान्य पुद्गल हैं, और सामान्य पुद्गल होने के वजह से तो जब हमारे अंदर बहुत सारा शून्यता का अच्छा ज्ञान हो जाता है, तो शून्यता के दर्शन होने के बाद जो मिथ्या विचार हैं वो कम हो जाते हैं, धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हमारे स्वार्थी चित्त कम होगा, वो तभी संभव है जब शून्यता का दर्शन आपके अंदर हो, ज्ञान हो। तो इस रट जाने की ऐसी विधि होती है, और बुद्ध धम्म और संघ में शरण में जाएं, तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए तीन शरण की व्याख्या की है। और बुद्ध ने यह भी कहा कि तीन जो शील की दीक्षा, तो वो शिक्षा जो है, तो खास करके उसमें भी हमारे अपने जो गृहस्थ लोग हैं उनकी भी दीक्षाएं होती हैं। तो आप लोग जो गृहस्थ लोग हैं, उपासक उपासिका जो इसको शिक्षा दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप लोग अपने घुटनों पर बैठ जाएं। और भिक्षु लोगों के लिए को इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं है, वो आप बैठे रहेंगे। तो इसको एक ग्रस्तों के संभार के रूप में के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा करने के, तो तीन बार आप कहेंगे, तो तीन बार जब मैं कहे हैं तीन बार इसका आप रिपीट करेंगे। तो जब तीसरी बार जब कहें तो आप माने कि हमारे मन में जो शरण है वो प्राप्त हो गई। अगर आप ऐसा माने कि जो भी शिक्षाएं हैं जो हमें जो दीक्षा दी जा ली, पंच जो शरण गमन भोग और पूरा पांचों कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो चार तीन या दो जितने भी आप इनका पालन कर सकेंगे वो अच्छा रहेगा, अच्छा हो सकेगा। आप लोग जो मैं कहूँ वैसा आप भी कहें। तो इसका अर्थ है जो बस ये संबोधि को प्राप्त करने के लिए है, और वो भी बोध चित्त के द्वारा चिंतन करके बुद्धत्व को प्राप्त करूँगा, इसके लिए दीक्षा में लेता हूँ, ऐसा चिंतन करूँ। आप लोग ऐसा कहें, नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय, नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। तो आप लोग तो आप बैठ जाएं। तो इससे जो आपके जो ग्रस्त के संभार हैं, जो दीक्षा है वो प्राप्त हुए। फिर उसके बाद जो बोधचित्त के दीक्षा को प्राप्त करने के लिए, तो जो बोधचित्त के दीक्षा प्राप्त करने के लिए है, तो
तो अलग अलग इसकी विधियाँ होती हैं, तो शब्दों का कोई वो नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो सबसे पहले जो तो ये जो मैं आपको दीक्षा दूंगा उसको आप में कहूँगा उसको आप भी दोहराएंगे। तो इसको प्राप्त करने से पहले कि अपने जो हम एक प्रकार के स्वार्थी चित्त के स्वार्थ के रूप में पड़े हैं, और वो भी ये हमारा स्वार्थी जो चित्त है वो परहित करने के लिए हमें रोकता है, तो इसको नष्ट करूँगा और इसको शुद्ध प्रकार के बोध चित्त को प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे मन होना चाहिए, एक प्रकार का हमारा प्रेरणा अच्छे तरह होना चाहिए और उसके लिए पुण्य संवार की आवश्यकता होती है, पुण्य होने चाहिए। तो इसमें जो जैसे कि बोध चित्त को उत्पाद किया जाता है, तो इसमें एक प्रधान चित्त और प्रस्थान चित्र दोनों उत्पन्न कहा जाता है कि बोध चित्त, फिर के बोध चित्त उत्पन्न करने के बाद सारे के सारे सत्वों का हित में करूँगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी लाभदायक है। तो बोध चित्त के जो संवार है, मैं दो तीन बार दो दिन में निश्चित रूप से इसका पालन करता हूँ, इससे लाभ होता है। तो जितने भी सत्व हैं मैं उनके हित करूँगा। तो उससे ये दूसरों को पहले रखते हैं, तो ज़्यादातर अक्सर यही होता है कि हम अपने आप को प्रथम रखते हैं ज़्यादा स्वार्थी चित्त होने की वजह से, लेकिन वास्तव में अगर दूसरों को अगर रखेंगे तो लाभ होता है। और वो भी बोध चित्त को प्राप्त करने के लिए, और वो भी जो भी जिस प्रकार से हम चाह रहे हैं, जिस प्रकार से परहित के लिए चाह रहे हैं, उसी प्रकार से मैं अभ्यास करूंगा। तो संक्षेप में अगर कहा जाए कि सारे के सारे सत्वों को उनके सिद्ध साधने के लिए कि मुझे बुद्धत्व की प्राप्त हो जाए, फिर जो भी हमारे अंदर जिस चित्त को हमने शुद्ध नहीं कर पाया है वो धीरे धीरे वो शुद्ध हो, और मैं इसके लिए ऐसा अभ्यास करूंगा, प्रयास करूंगा। तो ऐसा अगर करेंगे तो ये प्रस्थान चित्त के बारे में, या प्रस्थान चित्त कहलाता है, वो पहले अपने खुद उसका अभ्यास करें, प्रण करें, दृढ़ता से करें। तो आप फिर से आप घुटनों पर बैठ जाएं, सभी लोग घुटनों पर बैठें। और जिनको घुटने में दर्द इत्यादि हो तो वो घुटने न बैठें, जैसे भी बैठना चाहें। तो ऐसा माना है कि ऐसा अभी यहाँ पर हमारे समक्ष भगवान बुद्ध और सारे सारे लोग बैठे हैं, और भगवान बुद्ध हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, ऐसा आप माने। तो वास्तव में भगवान बुद्ध और उनके जो शिष्य या बोधिसत्व लोग जो हैं, तो उन्होंने जैसे भी उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है, तो हम लोग भी उसी तरह से बुद्धत्व प्राप्त करें, ऐसे अगर प्रार्थनाएं अगर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक आधार बन जाता है, एक बीज पड़ जाता है। तो ऐसा विचार मैं कहूँ, वैसा कहूँ कुंजो सुन लादा के अच्छी तीन सड़कों में सरल करता हूँ, सारे पुण्यों का देशना मैं करता हूँ, और जितने भी लोग उनको बुद्ध को शरण में रखते हुए बुद्ध धम्म और संग बुद्ध चित्त की प्राप्ति तक मैं शरण में जाना हूँ, वो बोध चित्त उत्पन्न होने प्राप्त हो जाए, और बोध चित्त उत्पन्न होने के बाद वो जितने भी सत्व उनको मैं हित करूँ, और बोध चित्त को प्राप्त करने के बाद
और जितने भी सत्य उनके हित के लिए हो जाए तो दूसरी बार, तो दूसरी बार भी आप यही कहें कुंचो समला दक्षी दो से समझा सुसाख डूबे गला जी राम चंजो सौ एक ही सौ चंजो सौ तो छो छो दस से गप गप छे पाँच सौ ना डूबे छे हजे समय कैसे संजय ने सोचो की गई नहीं समझे थमझे दत्त धुनी है चंजो छो छो यो के की डोला फिर बस संगे डोबा सो। तो तीसरी बार भी यही अर्थ है, जब तीसरी बार भी कहा जाए कि हमें सभी सत्य बुद्ध चित्त को प्राप्त हो जाए तो मेरे जैसे कि अन्य सत्यों के प्राप्त मुझे भी अंदर हो गया सारे पुण्य पाप दर्शन में करूँ जो भी बुद्ध को रख लो और संगों में बुद्ध चित्त प्राप्त के शरण में जाता हूँ और बुद्ध चित्त उत्पन्न होने के बाद और बुद्ध चित्त उत्पन्न करने के बाद जितने भी सत्यों को मैं उनका हित करूँ और उनको हित करने के बाद जितने भी हमारे जो बुद्ध चित्त वो सत्यों का हित पे लग जाए ऐसी प्रार्थना करें। मैं ईश्वर चुके संजो थे चुको दास दाद चिन्ह के जिम दादा चुके दागी थे देवा समझे की चिंग रहे तो दिए पर तो जो बोलते रहे पर तो दादा ने दिए कावर खीस आप बैठ जाए। तो वास्तव में अच्छी तरह से आप चिंतन करें अच्छा मन को बचाएं और सभी लोगों को कभी भी एक दुश्मन है इस तरह के रूप में मान करके दोस्त के रूप में माने उसमें कहा जा रहा है कि स्वयं और पर दूसरों के जो भी हित के लिए मैं बुद्ध चित्त उत्पन्न करूँगा जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि इष्टदेवों के जो कि प्रार्थना की जाती है तो जैसा कि माने कि अवलोकित खसर पानी तो इस प्रकार से बैठे हुए सामने देखें जैसे सामने पिक्चर लगी हुई है और उनके राइट में डोलमा और बाएं हाथ पर एक जाति बैठे हुए हैं, तीनों बैठे हुए हैं ऐसा आप विचार करें। और सामने जो तोरमा रखे और अवलोकितेश्वर खसर पानी और जो अवलोकितेश्वर और एक जाति तारा हैं ऐसा आप चिंतन करें या फिर अपन ऐसी कल्पना करें जैसा कि सामने जो थंका लगा हुआ उसी हिसाब से। तो सबसे पहले जो कि ग्रस्त हैं उन्होंने जो पांच सील प्राप्त किए और साप्तांग पूजा तो साप्तांग पूजा कि इसमें कुछ नहीं है तो इसके आधार पर इसके अनुसार इनको लिया जाता है। तो उसके बाद में जो शिष्य लोग हैं तो वो ईष्टदेव रूप में परिवर्तन होना उसमें पैदा होना स्कूल में पैदा होना तो सबसे पहले जो अवलोकितेश्वर के बारे में चिंतन करें
तो फिर उनसे जो ईश्वर जो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अगर जिन्होंने प्राप्त किया है तो उसको ईश्वर के रूप में माने, और जिन्होंने अब प्राप्त नहीं किया तो अवलोकितेश्वर जो मुकुट से जो आशीर्वाद प्राप्त हो ऐसा होना चाहिए। तो सबसे इसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले शून्यता का अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में भी कहा गया है, जैसे कि जी गंभीरता से शून्यता, इसके बारे में आप सबको अभ्यास करना है। तो ये जो भी चीज़ें हैं वास्तव में ये करुणा के उदाहरण के रूप में है, मातो के अलावा ऐसा नहीं है कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए हो। तो अलावा अपने अपने कार्य करते हैं, ओम सवावन सुंदर इत्यादि मंत्र इत्यादि जाप करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है तो उसके लिए टैच है या और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो कोई भी चीज़ नहीं है। तो मन में जब स्वार्थी चित्त जब पैदा हो जाता है और वो भी बोध चित्त को आधार बना करके प्रार्थना करता हूँ, तो उससे पहले हमें शून्यता का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, उसका ध्यान करना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं जिसको हम कहते हैं वो कहाँ पर है, किस तरह से है, उसके बारे में चिंतन। मैं वियतनाम का हूँ, मैं थाईलैंड से हूँ या तिब्बती हूँ या फिर जहाँ से भी हैं, तो ये मैं कहाँ से हूँ, तो मेरा शरीर मैं तो नहीं है, तो मस्तिष्क में जो हमारा चित्त है वो भी मैं नहीं है, तो मेरा जो शब्द जो मैं वो भी मेरे मैं भी नहीं है, तो आखिर को मैं कहाँ पर है, जो मैं जिसको कहते हैं मेरा शरीर मेरा चित्त मेरा मित्र मेरा देश, तो जिसको मैं कह रहे हैं तो वो आखिर को कहाँ पर है। तो कल एक तो एक जापान की अच्छा एक बुजुर्ग मिले, चित्त काफ़ी विचलित थे, तो वो काफ़ी डरे हुए थे, तो मैंने कहा आप तो बहुत डरे हुए थे, तो जिससे मैं से डर रही हूँ तो वो मैं कहाँ है, तो उन्होंने यहाँ पर इंगित किया, तो मैंने कहा कि गोल गोल है या फिर आयताकार है, उन्होंने कहा कि गोल गोल है ऐसा मैं तो मैंने कहा जहाँ आप इसको गोल मार रहे मैं तो वहाँ पर आप मैं को मान ले, तो बिना परीक्षण किए तो मैं या फिर आत्मा होता है, लेकिन परीक्षण जैसे कि मैं भिक्षु हूँ, मैं थाईलैंड से हूँ, वियतनाम से इत्यादि जो भी आपके जो देश हैं ऐसे आप मानते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए कि जो मैं है वास्तविक है वो कहाँ पर है, तो इससे स्कंदों के बाहर और अंतर अंदर और बाहर कहीं भी मैं के बारे में सोचे तो देखने से नहीं मिलते हैं, तो मैं आखिर कहा जाए कि नहीं है ऐसा भी नहीं है, होते हैं तो वो भी एक प्रकार के जो मैं है वो स्कंदों से, जैसे कि घोड़ा गाड़ी के बारे में बात करो तो उसके अंदर चक्र और उसके धुरी
इत्यादि बहुत सारी चीज़ों को जोड़ करके एक प्रकार की घोड़ागाड़ी कहा जाता है। और इस घोड़ागाड़ी को अगर अलग अलग करके देखा जाए तो कोई स्वयं से कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो जैसे जैसे उसका नाम दिया गया उसी प्रकार से वो कार्य भी करती है। जैसा कि हमारे रूप संस्कार या फिर इत्यादि चीज़ें संस्कार, ये पांच स्कंद, फिर हमारे शब्द गंध इत्यादि नाग इत्यादि, इन सबों को लेकर के इन सभी को एक लेकर के एक आरोपित की जाती है। इससे हटकर के कोई स्वयं इसका सत्ता नहीं होती है। और अगर मैं कहने का, अगर बुराई क्या होती है तो इससे क्या है कि एक प्रकार से अपने और दूसरे की, मेरे मित्र, मेरे नज़दीकी, मेरे पड़ोसी या मेरे घर परिवार वाले, तो इसलिए वैसे मैं की वजह से दूसरों को हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए इसको बदलना चाहिए। तो अब इसके बारे में चिंतन करें कि मैं जो है वो कहाँ है, वो इसको ढूंढ नहीं सकते आखिर को कहाँ है, इसके बारे में आप ध्यान करें। उसी प्रकार के मूल मध्यम कड़िका में भी कहा जा रहा है कि जैसे हम भगवान बुद्ध कह रहे हैं, तो वाकई उनको भी अगर परीक्षण करें तो वो भी देखने से नहीं मिलते हैं। तो किस प्रकार से या कहाँ पर बुद्ध हैं, उनके शरीर को अलग रखो, उनके चित्त को अलग रखो, इन सभी के बारे में अगर देखेंगे तो बुद्ध ढूंढने से नहीं मिलते हैं। और हमारे चित्त में किस प्रकार से दिखाई देते हैं, ऐसा लगते हैं कि वो अर्थ के रूप में अपने से अस्तित्व में है। तो जैसे आपसे भी पूछा जाए दलाई लामा कहाँ है, तो तुरंत आप कहेंगे कि हमारे समक्ष आसन पर बैठे हैं। तो जिस प्रकार से आपको परिलक्षित होता है, जिस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं, तो वास्तव में जब आप इसका परीक्षण करेंगे, ढूंढेंगे, तो ढूंढने से दिखाई से नहीं देते हैं। तो आप परीक्षण करो कि दलाई लामा या दूर अन्य चीज, अन्य लोग वो किस तरह से हैं, आप चिंतन करें। तो मूल माध्यम कड़िका के जो उनके व्याख्या बुद्धपालता जो वृत्ति है मूल माध्यम कड़िका की, वो काफ़ी गंभीरता से कहा गया है। तो इतना कठिन है, पर वो भी वास्तव में परीक्षण करके जब अपने स्वतंत्र सत्ता नहीं देखती मिलती है, उसके बारे में आप चिंतन करें। और हम अपने के क्लेश के वजह से, क्लेश के आसक्तियों की क्लेश की वजह से इनको ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो इनको भी समझने के लिए तो जो कि अब लोग तो खासा पानी है, उनके बारे में चिंतन करें। और हमारे हृदय जो सिर के मुकुट पर, तो ऐसा विचार करें कि अब लोग तो सर हमारे हृदय पर और सिर पर हैं। और बुद्ध की भूमि को प्राप्त करने के लिए चाहे चार कार्य करें या फिर जो मन, शरीर और वचन, उनको अलग अलग कायों के रूप में, संभोग काय, ज्ञान काय, इनको राग रूप में अगर देखें, तो वो भी एक आसिद के बाद के रूप में उसके द्वारा तीन कायों को प्राप्त करना। और ये भी स्वभाव का है, वो अपने से होते ही हैं, पर वो भी अपने अपने स्वभाव से सिद्ध हैं। और इस प्रकार से मैं जो भगवान बुद्ध के तीन काय उनको प्राप्त करें, ऐसे मुझे प्राप्त हो जाए या आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, ऐसे प्रार्थना करें। और इस प्रकार की प्रार्थना करने से,
इस प्रार्थना की वजह से और अवलोकित इस प्रकाश के प्रकाश उत्सर्जन और उनके अवलोकित सर के जो शरीर के आशीर्वाद हैं, काय के आशीर्वाद हैं, वो हमें प्राप्त होकर के और खुद हमें एक प्रकार से विलीन हो जाते हैं, या फिर जैसा कि प्रार्थना हमने कहा कि उनके मुकुट से जो एक प्रकार आशीर्वाद प्रकाश के रूप में उत्सर्जित हो रहा है वो हमारे अंदर प्रवेश हो रहा है, ऐसा विचार करें और उनके जो शरीर के या काय के जितने भी वो आशीर्वाद प्राप्त हो गए हैं और माने पहने हों उसके बाद जो उनके ज्ञान है, ज्ञान माफ करना वाणी के या वचन के आशीर्वाद मुझे प्राप्त हों ऐसा विचार करें। सबसे पहले उनके आशीर्वाद शरीर के प्राप्त, उसके बाद उनके जो वचन है वाणी है पवित्र वाणी उसके आशीर्वाद हमें प्राप्त करें और इस तरह से प्रार्थना करके पूर्व के समय के जैसे कि गुरु के हृदय से प्रकाश उज्जत हुआ और उसी प्रकार अवलोकित सर लाल रंग के और आ जो आई है वहाँ से हमारे हृदय से वहाँ पर प्रवेश हो जाता है या फिर अवलोकित सर के हृदय से प्रकाश उज्जत हमारे अंदर प्राप्त हो रहा है तो उनके भी आशीर्वाद हमको प्राप्त हो गए हैं ओम मणिपय में उनके वचन भी के अभिषेक भी हमको प्राप्त हो गए सब प्राप्त करें। फिर उसके बाद के अवलोकितेश्वर के जो कि जो पवित्र चित्त है वो हमें प्राप्त हो और खास करके जो करुणा और प्रेम वो हमें प्राप्त हो तो अवलोकितेश्वर एक महाकरुणा के इष्ट देव के रूप में माने जाते हैं तो उनका उसके साथ साथ मंजुश्री वो भी ज्ञान के देवता के रूप में माने जाते हैं और ज्ञान और करुणा दोनों साथ आते हैं और उस प्रकार से आशीर्वाद उनके प्रेम जो करुणा रूपी आशीर्वाद और ज्ञान हमें प्रज्ञा हमें प्राप्त हों और वो भी हरे रंग के अवलोकितेश्वर के रूप में हुम से हमारे अंदर प्रवेश होते हैं जो गुरु अवलोकितेश्वर के जो चित्त हैं वो उनके हृदय से या फिर गर्दन से हमारे अंदर उत्सर्जित होकर के प्रवेश हो रहे ऐसा विचार करें प्रकाश के रूप में और उनके जो करुणा और प्रेम और ज्ञान हमारे अंदर प्राप्त हो गए ऐसे आप विचार करें ऐसा आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ ओम मणि पद्मे मणि पद्मे मणि पद्मे मणि पद्मे उसके बाद मन शरीर और काय वचन और चित्त तीनों के आशीर्वाद जो हमें प्राप्त हुए हैं तो सबसे पहले जो हमारे जितने भी शरीर और वचन और चित्त हैं जितने भी हमारे क्लेश या फिर भी बुराइयां वो नष्ट हों और इन जो भी बुराइयों को सब नष्ट होकर के और वो भी ये एक प्रकार तीनों का एक रूपता के रूप में परिवर्तन हो जाता है और जो अंतिम समय के भगवान बुद्ध के जिसमें अंतर न होकर एक रूपता में परिवर्तन हो जाता है और जितने भी हमारे जो एक प्रकार के क्लेश हैं या फिर बीमारियां हैं वो या फिर जो दाग हैं वो नष्ट हो जाते हैं और ये तीनों प्रकार से तीन रूप से जो प्रार्थना है आप करें कि मन शरीर वचन तीनों के आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाएं
और इनके जो मन शरीर और वचन कार्यों के और अवलोकतेश्वर अलग अलग उनकी जो अभिव्यक्ति है और प्रार्थना है तो उनके आशीर्वाद हम प्राप्त हैं। और अक्षर ओम आहुम स्वभाव हों स्वाहा और आयु जो काका इत्यादि जो जो व्यंजन स्वर हैं वो सारे सारे के द्वारा प्रकाश उच्च हमारे अंदर प्रवेश हो जाए हैं। और खासकर को माँ हुम सुम जो तीन है वो हमारे अंदर प्रवेश हो प्रवेश उसके प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश तो हों और वो भी इसमें अंतर न होकर के एक समान के रूप में हो। और जो तीन काय को प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त हो गया ऐसा विचार करें। तो हृदय भी एक कमल के रूप में परिवर्तन हुआ तो ऐसा अवलोकतेश्वर के प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होकर के हमारे हृदय में उत्पन्न होकर के और हमेशा समय हर समय हमारे साथ में एक संबंध बना के रख रहे हैं ऐसा विचार करें। इसके बाद जिस समक्ष जो कि अवलोकतेश्वर और उसके आर्यतर और एक जाति बैठे उनके आशीर्वाद प्राप्त हो गए जो जब तीन बार आप जो मैं कहूँ उसके बाद करेंगे तो जो मैं कहूँ उसका आप जो ओम मानी पे में फिर उसके मंत्र ओम आर्य तारे तम सोहा ओम आर्य तारे तम सो ओम आर्य तारे तम सो ओम एका जाति होम सोहा ओम एका जाति होम सोहा ओम एका जाति होम सोहा। इसके प्रकार से ये मंत्र का रिसाइटेशन हुआ तो ये यहाँ पर संपन्न होता है पूर्ण होता है। और जितना हो सके मंत्रों का लाखों की संख्या में जाप करना चाहिए तो जितना हो सके तो एक दिन में एक जो 108 एक जाप करें तो उसमें बहुत सारे और संक्षेप में अगर रखा होम का अर्थ ओम जो शब्द है वो सभी मंत्रसनों में मिलता है खासकर हिंदू में मिलता है तो ओम का अर्थ है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार के अर्थात आउ मा सुम जो तीन अक्षर हैं उनको यहाँ कहा जाता है और वो भी मन शरीर और वचन इन तीनों को आधार बना करके और जैसे इनके बारे में विचार और वे स्वभाव सिद्ध जब आप बात करें और वो भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है चाहे नाथ चाहे पुद्गल निरात्म हो ओम का अर्थ ही है। तो ओम का अर्थ मन शरीर और वचन तीनों को इंगित करता है। तो जब तक हमारे मन के अंदर से क्लेश ना हो तब तक हम सामान्य पुरुष रहते हैं और जब तक जब क्लेश सब नष्ट हो जाते तब बुद्ध कहलाते हैं। और फिर उसके साथ साथ जो कि आर्य संघ इत्यादि
जो अशुद्ध है, जब हमारे शरीर को नष्ट करने के लिए, तो उसके लिए मानी और वाणी का एक प्रकार के बोध चित्त और पद्म या पेमा, उसका शून्यता का अर्थ है, और वो भी शून्यता और बोध चित्त उसको साथ रख करके इनके द्वारा बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। तो ओम में जो माँ शब्द है, और वो भी बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए इनको सम्मिलित करके साथ रखे ही प्राप्त किया जा सकता है, तो इसलिए ओम मानी पेमे हम कहा जाता है। तो यहाँ तक जो अवलोकतेश्वर के अवश्य वो संपन्न होते हैं, तो अभी तक जो भी हमें पुण्य प्राप्त हुए इससे हमारी जो दुर्गति है उससे मुक्ति प्राप्त हो जाए, और ये अगर आप इसका जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्ले इन जो दुर्गति है उससे बचाया जा सकेगा, बचेंगे। तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था, तो आप जितना हो सके कि लाखों लाख की संख्या में अगर जाप करें तो अच्छा रहेगा। तो आज तो देखो फिर किसके बारे में, जब अच्छा समय निकलेगा तो बाद में इसको पढ़ाऊंगा। तो आप लोग समझिए कि बुद्ध पालता प्राप्त, तो अगर बूढ़े बाढ़े लोग चाहते हैं कि बुद्ध पल तक हमें सुनना है, तो आप लोग रुकिए, आपको मृत प्राप्त नहीं करना प्राप्त नहीं करना। तो जब तब आप लोग उम्र रहें, अगर आप बुजुर्ग लोग हैं 95, 96, 80 के वर्ष के हो जाएं, तो आप लोग भी अच्छी तरह से रहें, एक उम्मीद लगा करके बैठे रहें। तो आज बोध चित्त और जो ग्रस्तों के, तो एक प्रकार के से जो या फिर प्रवचन आज समाप्त होता है, तो कल प्रश्नोत्तर रखेंगे, एक घंटा प्रश्नोत्तर, फिर उसके बाद ग्रुप होकर के फोटो खींचें, फिर संभवतः साथ जे जो सिग्गेम अष्टाध्यायी अष्टपद जो हैं चित्त शोधन के, उसका अभ्यास, उसका पाठ या उसका उपदेश दूंगा। तो आप लोगों ने 2-3 दिन तक धर्म का उपदेश प्रत, अगर आपको लगे कि 2-3 दिन तक उपदेश सुना तो बुद्ध पल तक कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा ना सोचें। तो जितना हो सके कि दिन प्रतिदिन चित्त को शुद्ध अच्छा रखना, तो कल जो है सिग्गेमा या फिर अष्टाध्यायी अध्याय है उसका पाठ करेंगे। तो अभी आप लोग जो लॉन्ग लाइफ की प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो आप लोग अभी प्रार्थना